हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स इज नॉट द बतवाल व्लॉग चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने मंदिर का डेकोरेशन कैसा किया, जो कि मैंने कल अपलोड किया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं शॉप पर गई थी कुछ सामान लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ ना कि शॉप मैं तीन बार गई थी और तीनों टाइम ही वो बंद थी, खुली नहीं हुई थी। तो मैंने आपके साथ जो सामान शेयर करना था वो आज मैं ले आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ वो सामान का वीडियो शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा सामान मैं नहीं लाई हूँ, चाहिए था मुझे थोड़ा बहुत सामान और चाहिए था, लेकिन उनकी जो शॉप पे क्राउड था इस वजह से मैं जितना मुझे मिला मैं ले आई। तो बस इतना ही मैं ले कर आई हूँ, इस लिफाफे में ही है जो सामान है। तो मैं आपको दिखाऊँ, जो पहली चीज़ है ये है, ये देख सकते हैं आप, ये है माला जो कि हमने अपने जो मेरे ससुर जी हैं उनकी तस्वीर पे लगाने के लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे हस्बैंड ने कहा था। तो ये मैं एक माला लेके आई हूँ। और जो मेरी दादी सास और दादा ससुर हैं उन दोनों की फ़ोटो के लिए ये माला लेके आई हूँ। सामान मैं लाई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सबसे पहले तो आप इनकी ड्रेस देख लीजिए, चलिए ना, बुकरम नहीं लगी हुई है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो बुकरम वाली ड्रेस में ये होता है कि जब हम उसको वॉश करते हैं वो सिकुड़ जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ रोल नहीं होगा उसका। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इसको नॉर्मली वॉश कर सकते हैं। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। बहुत ही प्यारा इसका वर्क किया हुआ है इस ड्रेस पे, मुझे बहुत सुंदर लगी इस वजह से मैंने इसे ले लिया। और इसी के साथ ही मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी की पग, लड्डू गोपाल जी की पग लेके आई हूँ इसी के साथ की, ये देखिए मैच करती हुई, ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ही प्यारी पग है, ये देख सकते हैं। सिंगल पग भी देखी जाए तो बहुत ही सुंदर लग रही है, आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको मैच करके पहना सकते हैं। मैं दो छोटी छोटी माला अपने गणेश भगवान और लक्ष्मी माता के लिए लेके आई हूँ, ये दो माला देख सकते हैं आप, छोटी छोटी सी है दो। और एक दो माला मैं ऐसी और लाई थी जो कि मैंने एक अपनी शेरावाली माता की मूर्ति पर अभी पहना दी है, और ये एक माला और है उसी के साथ की। और ये दो माला मैंने आपको दिखा दी है, ये हैं। और दो पगड़ियाँ मैं और लेके आई हूँ जो कि मैंने अपने गणेश भगवान जी को पहनानी है। तो ये देखिए, थोड़ी सी बड़ी हैं ये पगड़ियाँ। तो मेरे एक्चुअली ना गणेश भगवान जी जो हैं वो जो संगमरमर वाले होते हैं, पत्थर के जो चौकी के साथ उनको बिठाया जाता है वो वाले हैं, तो उनका जो ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा ब्रॉड है। तो ये भी पगड़ी एक्चुअली थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, लेकिन ये आ गई है उनके। तो ये दो पगड़ियाँ लेके आई हूँ। और अब ये लिफाफा हो चुका है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, बस मैंने इतनी ही अभी थोड़ी सी ख़रीदारी की है, और मेरे लड्डू गोपाल जी का सामान तो आता ही रहता है। एक्चुअली मुझे ना लड्डू गोपाल जी का यूनिक सामान लेने का मन करता है, लेकिन मुझे पता नहीं लगता है, क्योंकि एक ही मेरे यहाँ पे शॉप है जिससे मैं लेती हूँ। और जैसे मुकुट वगैरह हो गए ना सुंदर सुंदर से, वो लेने का मेरा बहुत मन करता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अगर ऐसा लड्डू गोपाल जी का सामान कहीं मिलता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन मैंने देखा था, बट ऑनलाइन ऐसा है ना, वो कह रहे हैं पहले पैसा पे करो और उसके बाद सामान रिसीव होगा, तो ये तो रिस्क वाली बात हो जाती है। अगर मैं पैसा पे कर देती हूँ सामान ना आए तो मैं कहाँ, मतलब कैसे क्या होगा, तो वो तो पैसे ही मेरे ख़राब करने वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं है कैश ऑन डिलीवरी भी हो तो मैं साथ के साथ पैसे दे दूं और सामान ले लूं। तो मैंने देखा है एक दो है, एक पिटारी करके कोई चैनल है, तो उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा पहले आप पैसा सेंड कीजिए, उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो रिसीव हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मुझे झमेला लगा इस चीज़ में। मैं कहा पैसे वाली बात पहले नहीं होनी चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी हो तो मैं साथ के साथ दे दूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैश ऑन डिलीवरी अगर लड्डू गोपाल जी का सामान कहीं अवेलेबल होता है, वो भी लेटेस्ट आइटम्स, जैसे मुकुट हो गए, जैसे अच्छे अच्छे पगड़ियाँ हो गई अच्छी अच्छी, तो वो अगर सामान मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप ये शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे, तो क्योंकि मेरा मन बहुत करता है लड्डू गोपाल जी का अच्छा अलग अलग यूनिक सामान लेने के लिए। और बस फ्रेंड्स यही मेरा वीडियो था, एक छोटा सा ये सारा सामान दिखाया आपको मैंने, बस यही दो चार सामान मैं लेके आई हूँ, आपको बताया मैंने थोड़ा क्राउड थी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये छोटी सी शॉपिंग मेरी कैसी लगी आपको, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा, और साथ ही में जो बेल आइकन आता है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।